अच्छा जनाब, तो ये देखे ना, ये जो है इसको तमरिया कहते हैं। तमरिया बेसिकली जो है ये खजूर से बनती है, और इसके साथ यहाँ पर जो है वो तहिनिया सॉस है, और ये जो है खजूरों के पेस्ट से बनती है। तो यहाँ से देखें आप, ये मुख्तलिफ टाइप में है ये। तो हमने जो ये वाला उठाया है, ये पता नहीं क्या है, मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है पिस्ते वाली भी है, खोपड़े वाली भी है, इसके ऊपर सवियाँ भी डली हुई किसी उस पर। तो हमने जो ये ली है, और इसकी जो है एक तह लगाते हैं ये तहीने में। ये देखें, ओहो हो, तहीने में इस पर लग गया ऐसे। ये देखें जनाब ये। और अब जो है ये एक और यहाँ से उठाते हैं ये। इसके बस सोयाँ लगी हुई हैं, देखे ना ये देखें। तो अब इसको भी जो है एक तहीने के अंदर डुबो के जो है एक इसको खाते हैं। ये देखें किस तरह से इस पर जो है अब तहीने लग गए, और ये भी अब जो है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूँ हसन ज़मान, और आज आप लोगों को जुम्मे के एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। तो आज जो है हम लोग नाश्ता करने मैकडॉनल्ड्स में आए हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे एग मफिन है विद सॉसेजेस, हैश ब्राउन है, और ये इनका जो है वो मार्बल केक है, चॉकलेट मार्बल केक, और साथ में अमेरिकानो। वैसे आज बहुत टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पर, तो इसको जो है ट्राई करते हैं। देखें इसके अंदर किस तरह की जो है वो चीज़ डली हुई है, फिर एक सॉसेजेस है और एक अंडा है। सो कहते हैं एग मफिन विद सॉसेजेस, इसको ट्राई करते हैं। वैसे आज बहुत दिनों के बाद जो है वो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से जो है व्लॉगिंग नहीं की। ये जो इनका हैश ब्राउनी है, ये जो है आलू का बना हुआ है। तो ये रहा इनका जो है वो मार्बल केक है। तो अभी इसको जो ट्राई करते हैं, फिर आप लोगों को दिखा देते हैं इसका एक आगे से भी व्यू। इसके ऊपर यहाँ पर जो है आगे चॉकलेट लगी हुई है, तो यहीं से हम ट्राई करेंगे। तो वैसे एक हाथ से व्लॉगिंग करना और दूसरे हाथ से खाना जो है वो बहुत ही मुश्किल टास्क है। ये देखें किस तरह से प्लेट भी जो है वो हिल रही है। तो ये आगे ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का जो है एक चॉकलेट केक है, इसको चॉकलेट मार्बल केक कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा आज का ब्रेकफास्ट है वो ख़त्म हो चुका है। बाकी बची हमारे पास ये कॉफ़ी, जो अभी बहुत ही गर्म है, इसकी वजह से जो है हम इसको खोल के रखा हुआ है ताकि थोड़ी ठंडी हो, फिर इसको पीते हैं।
اشهد ان محمد رسول الله A few moments later. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu अच्छा जी, तो जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है और अब जो है बारी है दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने में हमारे पास यहाँ पर ग्रिल है और ये चिकन कबाब है और साथ में ये सब्ज़ी है और ये सूप है जिसको शोरबा कहते हैं
और यहाँ पे आते हैं मेन डिश हमारी। हमारे पास यहाँ पे चिकन टिक्का चावल है और साथ में यहाँ पे शवाया है विथ पेशावरी राइस। तो और ये रहा साथ में हुमस। तो आज का ये हमारा लंच है। अच्छा जी, तो असर की नमाज के बाद अब हम आ गए हैं जिम के अंदर और आज जो है हम लोगों ने बैक खेलना है और ट्राइसेप। तो आप लोगों को जो है एक क्विक दिखाते हैं अपना जिम का रूटीन और फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू अल्लाह या अल्लाह, थैंक्स टू यू ओ अल्लाह, यू आर द ग्रेटेस्ट ओ अल्लाह, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. I can see a smile on every face. MashaAllah, today is Eid al-Fitr. MashaAllah, today is Eid al-Fitr. MashaAllah, today is the best. I woke up early for Fajr prayer to get myself ready for Eid prayer. Followed all sunnah aspects as a Prophet Muhammad, peace be upon him, have followed. Alhamdulillah, I'm ready for Eid prayer. Oh Allah, thanks to Allah, Ya Allah, thanks to you. Oh Allah, you are the greatest. Oh Allah, thanks for everything. Now I'm walking towards the beautiful place on this whole universe. That is Makkah, that is Masjidul Haram. अच्छा जी, तो जिम से आ गए हैं और अब जो है वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना है, ज़रूरी है। तो ये इसका जो है यहाँ से एक स्कूप लेंगे और इस तरह से हमने इसका एक स्कूप ले लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे इसको। ये इसके अंदर गया और अब जो है इसको बंद करके ना जैसे, और इसका ये बटन ये देखो, अभी जो है ये एक मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। तो अब जो है ये रेडी हो गया, तो इसको जो खोलते हैं और ये रहा प्रोटीन जो है ये रहा इसके अंदर, और इसको अब Three hundred and 46 minutes later. तो ये हमारे पास जो है इनकी कैपेचिनो है और ये इनके जो हैं ये डोनट बाइट्स हैं। तो ये जो है बहुत ही सॉफ्ट है और इसके अंदर जो है वो चॉकलेट डली हुई है। तो इसको जो है ट्राई करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के हैं ये। Meanwhile, अच्छा जी, तो लास्ट फ्राइडे के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को फलाफल सैंडविच दिखाया था जो बेक्ड होता है, मगर आज जो है मैं आप लोगों को फलाफल सैंडविच दिखाऊँगा जो एक मुख्तलिफ रोटी में तैयार करते हैं और रोटी जो है वो खुद ही बनाते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर ही। और इस तरह से देखना, इसके अंदर जो है वो पहले हुमस डाला है रोटी के अंदर और फिर फलाफल डाले हैं, उसको उन्होंने मैश कर दिया है। और इसके बाद जो है इसके अंदर यहाँ पे मखलल डालते हैं जिसको अचारी खीरा कहते हैं, और साथ में जो है एक और जिसको समंदर कहते हैं वो डाला है। फिर उसके साथ जो है इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर तहीना डाला है, उसके अंदर बगदूनस है यानी पार्सले और टोमेटो है। तो इस तरह से जो है वो ये फ्लावर सैंडविच तैयार करते हैं और ये भी जो है बहुत मज़े का है और ये सिर्फ 5 रियाल का है। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर।